तो हर हर महादेव दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का काजल के व्लॉग्स में। सो गाइस, टाइटल देखकर और थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आज का व्लॉग कहाँ का होने वाला है। जिस भगवान के भक्त बहुत सारे होते हैं, और क्या हो जाए कि बॉयज ज्यादा होते हैं हनुमान जी के भक्त। वैसे तो सभी होते हैं, पर मैंने ज्यादातर देखा है लड़के लोग हनुमान जी के भक्त बहुत होते हैं, बजरंग बली के। और जैसे मैं शिव भक्त हूँ, काली माता भक्त हूँ, लेकिन हनुमान जी की भी हूँ, लेकिन शिव भगवान की ज़्यादा। तो वैसे हर किसी के अपने अपने रहते हैं, खैर भगवान के रूप तो एक ही है। तो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ ऐसे टेम्पल में जो पड़ता है जोशी मठ में। वहाँ पर जो है कि एक बार लक्ष्मण जी जो है कि मेघनाथ से युद्ध के दौरान मूर्छित हो गए थे। उन पर जो है कि शक्ति बाण लगा था, जिस कारण वो मूर्छित पाए गए। और उन्हें बचाने के लिए तब हनुमान जी कुछ लेकर आए थे। वो क्या लेकर आए थे दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या लेकर आए थे आखिर हनुमान जी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए। खैर, ब्लॉग में आके बने रहिएगा। ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना और चैनल को वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है गाइस। तो चलिए अभी चलते हैं आपको दर्शन कराने के लिए इस ब्लॉग के माध्यम से। जो लोग दूर के हैं, नहीं जा पाते, उन्हें मैं कराऊंगी दर्शन अपने चैनल के माध्यम से। चलिए चलिए चलिए, चश्मा तो उतारने दो यार, क्या है, चलो। दोस्तों, क्या आप इस जगह में कभी आए हैं, और अगर आए हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर नाम बताइएगा कि ये कौन सी जगह है। और यहाँ पर से ना मंदिर स्टार्ट होता है, कम से कम 10-15 सीढ़ियों का सफ़र तय करने के बाद मंदिर आ जाएगा। तो यहाँ से चलिए चलते हैं ऊपर की ओर, और देख सकते हैं आप व्यू भी कितना प्यारा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएँ भी चल रही है। अगर दोस्तों आप हनुमान भक्त हैं तो चलिए मैं कराती हूँ आपको हनुमान जी के दर्शन। सांस फूल रही है पहले। कहा जाता है कि लक्ष्मण भगवान जब घायल थे तो हनुमान जी संजीवनी लेकर आए थे यहीं पे। चलिए दर्शन करके आते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, यहाँ पर हनुमान जी के भी दर्शन कीजिए आप। लक्ष्मण भगवान के लिए हनुमान जी ने, और राम जी को तो अपना आराध्य मानते ही थे, उनके लिए बहुत कुछ, मतलब जितना भी करते थे कम ही था, क्योंकि उनके प्रति इतना प्यार था, इतना वो था कि सीना तक फाड़ के दिखा दिया था कि मेरे सीने में श्री राम है, माता सीता बसी हैं। तो वही हनुमान जी के मंदिर पर आज खड़ी हूँ, और श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को बचाने के लिए भी संजीवनी हनुमान जी लेकर आए थे, तो उन्हीं के नाम पर यहाँ पर ये मंदिर प्रसिद्ध है। दर्शन आप भी कीजिए इस ब्लॉग के माध्यम से। और जब आप यहाँ पर आएँ तो कहा जाता है कि थोड़ा सा विश्राम जरूर कीजिए बैठकर, मन को शांति भी मिलती है, लेकिन विश्राम अवश्य करें। वैसे यहाँ पर चेयर वगैरह भी लगा रखी है विश्राम करने के लिए, लेकिन मैं चेयर पे नहीं बैठी, मैं नीचे ही बैठी। मैं भगवान के सामने कुछ नहीं हूँ, तो मेरी कोई औकात नहीं है चेयर पर बैठने की। तो दर्शन करके यहाँ से निकलते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आपको भी मैंने हनुमान जी के दर्शन करा दिए हैं, जहाँ पर जो है कि लक्ष्मण जी के लिए वो संजीवनी लेकर आए थे, और हनुमान जी की कृपा भी आप सभी पर बनी रहे और मुझ पर भी बनी रहे। चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आप कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी भी लिख सकते हैं। और मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हम भी अपना ख्याल रखते हैं। और मेरे जो ब्लॉग्स हैं ना गाइज, वो कभी कभी ना दिन के 3-4 बजे 5 बजे तक भी आते हैं, वैसे ज़्यादातर सुबह ही आते हैं 6 या 9 के बीच। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए।
दूर बैठे लोग या जो मंदिरों में नहीं जा पाते हैं, मैं उनको उत्तराखंड के मंदिरों के दर्शन कराऊंगी और जितना मेरे से हो सकेगा मैं उन टेम्पलों में जाके आप सभी को अपने व्लॉग चैनल के माध्यम से दर्शन कराऊंगी। तो थैंक यू सो मच जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोगों ने सपोर्ट किया है, और बाकी लोग भी जुड़ें और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून नेक्स्ट व्लॉग।